हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 11 अप्रैल 2019 है और आज जो शेयर लेके आया था वक्रांगी लिमिटेड आया था। और वक्रांगी में आपको 2500 रुपये से बताते आ रहा हूँ और वहाँ से आप देखेंगे 65 की ओर है। आज देखेंगे तो इसमें 15.92% के साथ 65 रुपीज़ पे क्लोजिंग दिया है। इसका जो 52 वीक क्लोज था 22 था और जो क्लोजिंग है 147। कहीं ना कहीं ये 140 अगर 80 क्रॉस करता है तो शायद 147 की ओर जाता हुआ आपको देखने को भी मिले। आज का लो था 57, हाई था 68 और हाई 68 होते हुए 66 के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। और इसकी वॉल्यूम देखेंगे आज तो 3,71,62,257 है, क्योंकि अर्लियर वॉल्यूम था 58,51,64,00। अगर देखें यहाँ सेंटीमेंट तो 82% बाइंग सेंटीमेंट है और अगर डिलीवरी देखें तो आपको यहाँ पर डिलीवरी 36%, 35%, 40% की डिलीवरी हो रही है। आज भी अगर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 2.69 है, डिविडेंड यील्ड 0.38 का, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। अगर हम शेयर होल्डिंग परसेंट देखें इसको तो शेयर होल्डिंग परसेंटेज में देखेंगे 41% प्रमोटर है। एफआई ने मार्च में अभी देखिए 0.89 थे, दिसंबर में 13.6 रही था और अभी मार्च में जो है 14.52 है। और कोई भी शेयर इसके गिरवी नहीं रखे। इसका पीसी जुलूस में के साथ ये और वक्रांगी दोनों गिरे थे, लेकिन अब ये दोनों अब लग रहा है दोनों में थोड़े बाइंग चालू है और दोनों ऊपर की ओर जा रहे हैं। और इसमें 136 एफआई 14.52 पोजीशन के साथ होल्डिंग कर रहे हैं और एफआई ने पोजीशन बढ़ाया है। अगर यहाँ देखेंगे आप ट्रेडेड क्वांटिटी तो जहाँ 29 लाख, 28 लाख, 45 लाख, 79, 47, 48, मतलब एवरेज 44-45 लाख का ट्रांजेक्शन हो रहा था, आज 3,71,00,000 का होता है 11 अप्रैल को। और जहाँ डिलीवरी 14 लाख, 22 लाख की, 41, 19, 20, 22 लाख की हो रही थी, वहाँ 86 लाख में 4 गुना टाइम्स की डिलीवरी हुई है। डिलीवरी परसेंटेज आपको 23 दिख रहा है क्योंकि वॉल्यूम 3,71,00,000 का है। अदरवाइज आप देखेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के 4 टाइम्स, 5 टाइम्स की डिलीवरी आज हुई है। तो आज इस डिलीवरी को देखते हुए और प्राइस गेन को देखते हुए और आज अभी अगर यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम वेटेड वॉल्यूम को देखने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 64.39 पे क्लोज होना चाहिए था वॉल्यूम वेटेड एवरेज के अनुसार, वहाँ पे ये करंट प्राइस 65.90 दिया है, तो अभी भी पॉजिटिव क्लोजनेस दिया है। तो कहीं ना कहीं वक्रांगी के स्पॉट बन रहा है, एक ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ये एवरेज यहाँ पे इस लेंथ पे ट्रेड कर रहा था उसको एक साथ आज वॉल्यूम को क्रॉस करते हुए एक सिंगल एरो दिख रहा है, जो दूर से भी आप देखेंगे तो ये एरो यहाँ पे आपको दिखेगा विद वॉल्यूम। जहाँ तक वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम आप रिसेंट देखेंगे तो ग्रीन जो है आपको वो ज़्यादा बनते हुए दिख रहा है, अच्छे खासे ऊपर स्पॉट के साथ बनता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बनते हुए दिख रहा है कंपेयर टू रेड। इसके कारण इसका मतलब है कहीं ना कहीं से वक्रांगी में बाइंग हो रही है, एक्युमुलेशन हो रहा है शेयर का। अगर ये क्रॉस करता है, 80 क्रॉस करता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये 140 की ओर जाता हुआ दिखेगा। और इसके जो चार्ट पैटर्न में भी है कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर की ओर एक ट्रेंड है। आप इसकी ट्रेंड की देखें, ये देखिए ये ऊपर की ओर जब हो जाता हुआ आपको एरो दिखेगा। अगर मैं सिंपल एरो से दिखाने की कोशिश करूँ, ट्रेंड लाइन देख बनाऊँ, यहाँ से ट्रेंड लाइन जो होता है ऊपर की ओर जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा ट्रेंड लाइन है और कहीं ना कहीं ये आपको ऊपर जा रहा है। और अगर इस लेवल पर कहीं भी फिर से फॉल होता है, नीचे 50 की ओर आता है, तो आपको वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, या आप नहीं भी चाहें तो 48 का स्टॉप लॉस जो कि 20 डेज का इसके यहाँ पे मूविंग एवरेज है, वीकली मूविंग एवरेज है, वहाँ पे आप 48 का लगा के रख सकते हैं। और पहला ये टारगेट 80.73 का है और दूसरा 140 का है। तो वक्रांगी में कहीं ना कहीं एक स्पॉट है जो कि ऊपर की ओर इसको ले जाने के लिए तैयार है और हो सकता है कि यहाँ पे आपको अच्छी खासी वक्रांगी 140 की ओर जाता है वो दिखे, तो कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन उसको 80 पे एक रेसिस्टेंस हो सकता है, 80 से वो बैकअप करे तो कोई भी चाहे, तो यहाँ पे आज इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है 65.90 है। तो लॉन्ग टर्म के लिए 48 का स्टॉप लॉस लगा करके आप चाहें तो इसमें बैठ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए वक्रांगी एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, पॉजिटिव बाइंग सिग्नल आ रही है इसमें, वक्रांगी में पॉजिटिव व्यू है। मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज से मेरा व्यू था, ओपिनियन था। आप कोई भी बाइंग और सेलिंग करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके समझ के फिर करें, पैसा आपका, ध्यान आपको रखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।